छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तहत वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन प्रदेश का नेतृत्व कहाँ है, वो तो गायब है। लेकिन प्रदेश की लीडरशिप कहाँ है, वो तो गायब है। और कुछ ठीक है सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के जो राज्यपाल है उनको लेकर के टिप्पणी की है कि जिस तरह से जो संशोधन विधेयक है उनको रोक के रखा है। हमारे यहाँ भी एक दर्जन करीब संशोधन विधेयक है। इसमें चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। राज्यपाल अपने अधिकार का मतलब दुरुपयोग ही कर रहे हैं। पंजाब कहें, तमिलनाडु में कहें, वहां भी टिप्पणी हुई, छत्तीसगढ़ में भी एक दर्जन बिल अटके पड़े हैं और राजभवन में अटका हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के राजभवन के माध्यम से सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए नुकसानदायक है। ये दूसरे चरण में 953 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 253 जो है वो करोड़पति है। सही बात है, वो तो पेपर में छपा है शायद। बीजेपी भी है उसमें, उसमें भी है। सर, ये अमित शाह जी का एक नया बात सामने आ रही, जहाँ भी जा रहे हैं वो बोल रहे हैं आप जिताइए मैंने बड़ा आदमी बनाऊंगा। कितनों को बड़ा आदमी बनाने की मतलब उसके हाइट बढ़ा देंगे क्या? हाँ, वो कुनकुरी में जा रहे हैं, विष्णुदेव साय को बोल रहे हैं आप उनको जिता के देखिए मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। ओपी चौधरी के लिए भी यही बोल रहे हैं, बड़ा आदमी के पीछे। विष्णुदेव साय के तो वो आदिवासी नेता है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको पद से मुक्त किए थे, तो उसका तो उस दिन आदिवासी को आदिवासी दिवस के दिन ही आपने उसका कद तो जीरो कर दिया था, आप कैसे बढ़ाएंगे आप? तो ये इनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी बोले कि नगर नार नहीं बिकेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है? कोई वहां से डिलिस्टिंग हुआ क्या, डिलिस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी और उसमें कहा गया कि नगर नार वो बिकने वाली सूची में है, उसको हटाए नहीं। अब आगे अमित शाह जी बोलते हैं कि नगर नार नहीं बिकेगा, तो ये तो सब जुमलेबाज है। अमित शाह पहले बोले कि चुनाव के लिए जुमलेबाजी होती है, तो ये सब जुमलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी जितना करी सब जुमलेबाजी है।